नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे रुड़की की खबर के साथ, जहां मुंडेर गांव में त्यागी समाज के लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का फूल मालाओं से स्वागत किया है। इस अवसर पर बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि देवभूमि के हर गाँव को मजबूत करना धामी सरकार का पहला मकसद है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2024 की तैयारी करने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया। पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराने की अपील पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी के बड़े नेताओं ने की है। जिस हिसाब से जिला हरिद्वार की जनता ने मुझको विश्वास किया, मुझे आशीर्वाद दिया, उसी तरह से इनके जो मन के काम होंगे, इनके जो मन मुताबिक काम होंगे, इसी प्रकार से तैयारी यही है कि बहुत आपने मेरी बात पहले सुनी थी, पूरी तेजी की साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इस जिले के गांव का विकास होगा। और ऐसा विकास होगा आज तक तो मैं उम्मीद करूँ आज तक कभी ना हुआ होगा। राष्ट्रहित में कार्य करना है, राष्ट्र के लिए करना है, तो उसमें चुनाव बीच में कहाँ आता है? कार्य निरंतर करना है, करते रहना है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, वो हो ही जाएगी। कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए तैयार रहता है और उसी को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी कार्य भी करती है। खबर देहरादून से, जो आप पूर्व मुख्यमंत्री और देवभूमि विकास संस्था के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देवभूमि संस्था की ओर से वर्ष 2009 में रिस्पना टू ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत की गई थी और इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए कल 4 नवम्बर को इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है। तमाम जो पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था, आज वो नाले के रूप में है, तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे और फिर उसमें तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सहयोग लेकर के स्थानीय लोगों के सहयोग से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आप पार्टी के नेता उमा सिसोदिया ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं में आखिर और कितने उत्तराखंड के युवाओं की बलि लेगी सरकार। वहीं 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आप नेता रविंद्र सिंह आनंद ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बागेश्वर का एक बच्चा जो कि अग्निवीर में सेलेक्ट नहीं हो पाया, उसने अपनी जानों की आहुति दी है। वैसे तो हम कभी भी इस तरह के कृत्य को बढ़ावा नहीं देते और हम आगे भी युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि ठीक है, आपको ठीक है निराशा हुई होगी, पर उसका कतई भी ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी जान की आहुति दे दें। आपके पीछे बहुत से लोग हैं जो आपको देख कर आगे चलते हैं, परंतु इन सब बातों से हटकर हम सरकार के संज्ञान में एक बात जरूर लाना चाहेंगे कि ये वही अग्निवीर है जिसका शुरू से विरोध हो रहा है, न केवल इस प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में पुरजोर विरोध के बाद आपने इसको लागू किया। खैर, अगर आपने इसको लागू किया भी है तो आपको देखना चाहिए, एक पैरामीटर्स इसके तय करने चाहिए और क्या क्या इसमें कमी है उनको दूर करना चाहिए, जिससे कि आज तो इस नौजवान ने अपनी जान दे दी है, आगे और नौजवान इसकी आहुति में नाच। उत्तराखंड के पूर्व सीएम
त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार और उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कि जो उनकी पत्नी है सलाहकार की, उसकी कंपनी में गलत तरीके से 200 करोड़ रुपए के धनराशि को, ब्लैक मनी को वाइट करने के उद्देश्य से गलत तरीके से ट्रांजैक्शन की गई है, और उस कंपनी का जो नाम है सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, उसमें ये ट्रांजैक्शन किया गया है। इसमें एक बात और भी आम आदमी पार्टी को कहनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4.5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे और अचानक से रातों रात उन्हें हटाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को ये सारा मामला मालूम था इसलिए रातों रात उन्हें हटाया गया। बड़ी खबर रुड़की से है, जहां नगर आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठे पार्षद, नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे हैं पार्षद, 16 करोड़ के कार्यों का मांग रहे हैं हिसाब, नगर आयुक्त से हिसाब मांग रहे हैं निगम पार्षद, नगर आयुक्त के निलंबन की मांग भी कर रहे हैं पार्षदों और नगर आयुक्त के बीच नोकझोंक भी हुई है इस दौरान। रुड़की से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम परिसर में धरने पर पार्षद बैठ गए हैं, 16 करोड़ रुपए के कार्यों का हिसाब भी मांग रहे हैं, नगर आयुक्त से ये हिसाब निगम पार्षद मांग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली है। नगर आयुक्त के निलंबन की मांग भी पार्षदों के द्वारा की जा रही है, हालांकि इस दौरान पार्षदों और नगर आयुक्त के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड के जर्जर पुलों पर बड़ा फैसला आया है, जर्जर पुल पर हादसा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, खतरे की संभावना वाले पुलों की रिपोर्ट मांगी है, 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले कई ऐसे पुल हैं जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, और अब साफ तौर पर यहां यह भी कह दिया गया है कि अगर किसी भी पुल पर कोई भी घटना घटित होती है उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है उत्तराखंड के जर्जर पुलों पर। हालांकि जीर्णोद्धार करने की बात भी उत्तराखंड सरकार कह रही है, लेकिन ऐसे में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने यहां दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी दे। रुड़की से खबर है, जहां नीला पुल के नाम से जाना जाने वाला झूला पुल काफी पुराना हो चला है, विभाग ने इसके इस्तेमाल करने पर खतरनाक होने की चेतावनी का पोस्टर भी चिपका दिया है, बावजूद इसके स्थानीय लोग पुल से आवाजाही कर रहे हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नीला पुल को पार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर मौजूदा हालात का जायजा लिया है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल आपने जो ये रिपोर्ट तैयार की है, अब क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं, कहीं भी घटना घटित होती है उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसे पुलों को चिन्हित किया जाए जिन पर खतरा है, जिनकी वजह से लोगों को खतरा हो सकता है, अब ऐसे में जब ये रिपोर्ट सामने आ रही है तो अब अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिए ये रुड़की का मामला है, रुड़की में ये पुल जो है नीले पुल के नाम से मशहूर है, और बात करें इस पुल की तो ये पुल लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना हो चुका है और जर्जर हालत में है, जैसा कि गुजरात में हादसा हुआ है, इसी को देखते हुए यहाँ पर इसके चेतावनी भी दी गई है कि पुल कमजोर है और इसके दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टिगत इसे बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसा कि हम वहाँ पर गए भी थे, कि जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं वो भी इसी के द्वारा इस नहर को पार करते हैं, इस पुल के द्वारा पार करते हैं, और जो आमजन है वो भी लगातार इसी पर चलते हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होने का
मुझे लगता है कि यहाँ पर दावत दी जा रही है, क्योंकि देखिए खाली सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चेतावनी तो लिख दी गई है, लेकिन पुल को बंद नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी भी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी दृष्टि से पुल बंद है, लेकिन आखिरकार चेतावनी तो लिख दी गई है, लेकिन चेतावनी लिखने अनिल बिल्कुल चेतावनी तो लिख दी गई है, लेकिन चेतावनी के बाद दूसरा विकल्प क्या जनता के सामने है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। उत्तराखंड में ऐसी कई जगह है जहां पर लोग नदियों को पार करके जाते हैं, कई बार जलस्तर बढ़ जाता है, बह जाते, इस तरीके की घटनाएं भी वहां पर आम हो जाती है। लेकिन जब इस तरीके के ब्रिज के बाहर आपने एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, तो क्या चेतावनी बोर्ड लगा देने मात्र से आप अपनी जिम्मेदारी से हाथ साफ कर लेंगे, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं अधिकारियों की? बिल्कुल मीनाक्षी, बताना चाहूंगा, देखिए साफ साफ आपने बिल्कुल सही कहा, जो अधिकारी हैं वो लगातार इस जो मैटर से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम जब वहां पर पहुंची और अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारी तरफ से चेतावनी दी गई है, लेकिन साफ साफ बात यह है कि खाली मात्र चेतावनी लिखने से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार जो पुल जो है वो जर्जर स्थिति में है और लगातार जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं वो लगातार इस पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर भगवान ना करे तो जो गुजरात जैसा हाल इसमें हो जाए तो इस पर जो है अधिकारी क्या संज्ञान लेंगे, ये तो आने वाला बताएगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने और पीडब्ल्यूडी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार ऐसे पुलों की जांच की जा रही है कि उनको दोबारा से यहाँ पर ठीक कराया जा सके। जी आने वाले वक्त में इसमें ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अनिल अभी अपने अधिकारियों से इसको बाबत बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे पर? बिल्कुल मीनाक्षी, बताना चाहूंगा, देखिए हमारी बात हुई है पीडब्ल्यूडी के विभाग से हुई है और जो यहाँ के सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि फिलहाल हमें हमारी द्वारा जो है अधिशासी अभियंता के द्वारा चेतावनी लिखी गई है, लेकिन और बीच में आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि बीच में एक पोल टाइप का यहाँ पर लगाया हुआ है जिससे वाहन इस पर ना जा सके, लेकिन जो पैदल यात्री हैं, जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, वो अपनी साइकिल से यहाँ से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अधिकारी लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आवागमन इस पुल का नहीं रुक रहा है। बिल्कुल अनिल, एक बोर्ड लगा दीजिए और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से हाथ साफ करते हुए बैठ जाइए, यही किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात हरिद्वार की, हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में चोरियों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों मुटकाबाद गांव में एक दिव्यांग दंपत्ति की दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने हजारों की नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। थाने में शिकायत करने पर दिव्यांग दंपत्ति को पुलिस ने बताया कि स्मैक का नशा करने वाले नशेड़ियों ने चोरी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस चोरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। चोरी होगी, दो सिलेंडर उठा लिए जी, जो केस था वो उठाए, 2-3 हजार रुपए जितनी सेल ली थी 5-6 ट्रेंड उठा लेंगे जी। ये नशा जो कर रहे जी, स्पेंग वाले कर रहे सारे, ये नुकसान कर रहे रात की, इसमें क्या लोगे, बहुत चोरी होगी हमारी, नहीं मंदिर में वो मोटर उठा लिए, दुकान में तो से जी चोरी होगी है, रात आका नाम सिलेंडर उठा ले, 2-8 रे उठा ली मेरी, क्या नाम जी, ना 8-6 और मतलब मेरे पैसे उठा लिए जी, मतलब नशा करते हैं जी, और कैनम चोरी करा है घर में बड़े बड़े को लोगों के। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से यहाँ चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है? पुलिस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि नशेड़ी जो है उन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया है, लेकिन क्या किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी तक? देखिए मेरे ख्याल से कोई पहला मामला नहीं है, हरिद्वार में लगातार चोरी की वारदात है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि लगातार हरिद्वार पुलिस का यह भी दावा है कि वो लगातार चोरों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, लेकिन ताजा मामला आपके सामने है कि लक्सर में एक दिव्यांग दंपति को भी चोरों ने नहीं बख्शा है। हालांकि उनकी किराने की दुकान में सेंधमारी कर यहां से हजारों की नकदी और उनका सामान चुरा लिया है, जिसके बाद जो दंपति थे वो लक्सर कोतवाली पहुंचे हैं, और उसके बाद पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो चोर हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि जो चोर हैं वो कहीं ना कहीं नशे की लत के चलते यहां पर जो सामान है वो लगातार चुरा रहे हैं, और बीते दिनों हमने देखा है कि लक्सर के जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर भी कई ऐसी वारदातें सामने आई है जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा, पुलिस ने एक टीम गठित की और आसपास के सीसीटीवी कंगाले जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया गया है संजय?
बिल्कुल लगातार ही हरिद्वार जिले की बात की जाए तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों जो चोर हैं उनके हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि पुलिस के लाख दावों के बाद भी जो चोरी की घटनाएं हैं वो एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि पुलिस खाना पूर्ति के लिए कई वारदातों का खुलासा भी कर रही है, लेकिन जो उसमें चोरी हुआ सामान है वो नकदी है वो पुलिस नहीं खोल पा रही है। इसमें एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस मामले को लेकर देखते हैं कि पुलिस कितनी जल्दी इसका खुलासा करती है और कितनी जल्दी इन दंपति को न्याय मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार में इस तरीके से चोरी की जो घटनाएं हैं वारदात है हरिद्वार जिले में खासकर बढ़ते जा रही है। सहयोगी संजय ने भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। नकदी और कीमती सामान उड़ाया गया है एक दुकान से। बताया जा रहा है कि ये दुकान जो है वो एक दिव्यांग के द्वारा चलाई जाती है और दिव्यांग दंपति परेशान है, इसको लेकर के पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली है। और सर्दियों के बावजूद अभी से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने लगी है। 1 नवंबर से अब तक आग की 5 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, लेकिन वन विभाग बेखबर है, ना तो आग से निपटने की तैयारी है ना कोई सतर्कता है। हैरत की बात है कि वन मुख्यालय के फायर कंट्रोल रूम तक को आग की जानकारी नहीं दी गई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड में बेमौसम ही जंगल जलने लगे हैं। इसके पहले भी जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। हवा का तेज रुख की वजह से ये आग जंगलों को काफी नुकसान भी पहुंचाई थी और अब पिछले 2 दिनों से जंगल में आग लगने की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। बेमौसम जलने लगे हैं यहाँ पर जंगल। कुमाऊं में 5 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। तो इस तरीके से यहाँ आग की घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। जहाँ कुमाऊं की बात करें तो 5 जगह, नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग फैल गई है। सर्दी का मौसम और ऐसे में आग लगने की घटनाएं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में भी आग लगी है। वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज के सरपुड़ा बीच में भी आग लगी है। इस तरीके से बेमौसम जंगल उत्तराखंड में जल रहे हैं, जहां 2 दिन में 5 जगह पर आग लग चुकी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर बैठक ले रहे हैं। उत्तराखंड में माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा, उत्तराखंड कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जो 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर बैठक कर रहे हैं। माड़ा जो कि अंतिम गांव कहा जाता है चाइना बॉर्डर से लगते हुए, उत्तराखंड में माड़ा गांव से ये भारत जोड़ो यात्रा और इसकी जो तैयारियां है उसको लेकर के जायजा ले रहे हैं देवेंद्र यादव। उत्तराखंड कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। आपको बता दें कि 150 दिनों तक ये यात्रा चलनी है, जो अभी भी इसी तरीके से जारी है। राहुल गांधी खुद हर जगह पहुंच रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और अब ऐसे में उत्तराखंड में माड़ा गांव से ये भारत जोड़ो यात्रा। सहयोगी हितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेश, माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 7 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज वह अल्मोड़ा में हैं और कुमाऊं के जितने भी जिले हैं और जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ में वो आज बैठक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था उत्तराखंड का वह नहीं है, लगभग वह कैंसिल हो गया है। तो उसी को देखते हुए जो देवेंद्र यादव हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तराखंड के अंदर पदयात्रा के नाम से यह यात्रा चलाई जाएगी और इसके लिए 7 तारीख से यहाँ पर यह पदयात्रा उत्तराखंड के विभिन्न विभिन्न जगहों पर निकाली जाएगी। और कुछ दिन जो देवेंद्र यादव हैं वो कुमाऊं मंडल में रहेंगे और कुछ दिन वह गढ़वाल मंडल में रहेंगे। 3 दिन के बाद में वह देहरादून आएंगे और देहरादून के जो स्थानीय पदाधिकारी उनके साथ बैठक मंथन करेंगे, क्योंकि जो पूरा रोड मैप है कहाँ कहाँ से यह यात्रा होकर निकलने वाली है, क्योंकि जो यात्रा का जो शुभारंभ होगा वो बद्रीनाथ के पास माड़ा गाँव से होगा। जी, भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी ये पद यात्रा के नाम से होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के कौन से वो बड़े नेता होंगे जो यहाँ पहुंचेंगे और इस पद यात्रा में शामिल होंगे?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई नाम ऐसा प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा बताया जा रहा था, लेकिन उस तरीके से अभी राहुल गांधी का कोई दौरा प्रस्तावित उत्तराखंड के लिए नहीं है। तो कोई अन्य राष्ट्रीय अधिकारी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के तो तमाम सभी जो बड़े लीडर है, चाहे यशपाल आर्य हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर हरीश रावत हो, सभी बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बताते हैं आपको, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस, शहरों को लाइटों से सजाया जाएगा, चौक चौराहों और राजकीय भवनों को सजाया जाएगा। 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक सजा रहेगा शहर। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2000 जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, और अब ऐसे में 22वां यह स्थापना दिवस है, इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक यहां चौक चौराहों को सजाया जाएगा, राजकीय भवनों को सजाया जाएगा, लाइटों से पूरी तरीके से उत्तराखंड को जगमग किया जाएगा। 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक शहर सजे रहेंगे। उत्तराखंड 22 साल का हो गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है उत्तराखंड का यह स्थापना दिवस मनाने के लिए। 9 नवंबर 2000 एक लंबे आंदोलन, लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड को अपना अस्तित्व मिला, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, स्थापित हुआ, और अब ऐसे में 22वां स्थापना दिवस। इस दौरान शहरों को लाइटों से सजाया जाएगा, भवनों को लाइटों से सजाया जाएगा, चौक चौराहों को भी सजाया जाएगा, और पूरे उत्तराखंड को लाइटों से जगमग किया गया 7 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।